नमस्कार साई नमन, आपका स्वागत है। जय माता दी मित्र मंडल, बाजी मार्केट पद्मनगर में भिवंडी में 25 वर्षीय सार्वजनिक गणेश उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज जनताओं के लिए, भक्तों के लिए अन्नदान भी किया गया है। सलाहकार नारा बलराज और सीधर इप्पलपल्ली ने जानकारी दी है साई नमन को, आइए देखते हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, अष्टौ सिद्धि दासी संकट को बैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशिहारी। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संपत संपत सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोस्वामी वंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। सिल्वर जुबली ईयर है, 25th ईयर है। सन 1994 से हम लोग यहाँ पर स्थापन किए हैं। ये 25वां वर्ष है हमारा, सिल्वर जुबली मना रहे हैं हम लोग। सर इतना बड़ा मूर्ति आप लेके आते हैं तो आपको कैसे लगता है? सर हम लोग तो प्राउड फील हो रहे हैं, बिकॉज अब हम चाहते हैं कि भिवंडी में, हम लोग सही सोचते हैं कि भिवंडी में सबसे बड़ा मूर्ति है और सबसे सुंदर मूर्ति है, क्योंकि हमारा नाम है पद्मनाथ सुंदर राजा। हम वही उसी कारण की वजह से आप इतना सुंदर मूर्ति लाए हैं। सर आज अन्नदान कर रहे हैं, इसके बारे में तो जानकारी दीजिए। अन्नदान तो अपने एरिया के बारे में अच्छा नाम होना चाहिए। हमारा बालराज मामा, गंगाधर बापू होगा, सबका रहीवासियों के लिए कभी हमसे जितने हो सके, तो सिल्वर जुबली के वजह से हमको जितना हो सके उतना अन्नदान करना चाहते हैं बस। तो संदेश क्या है आपको भिवंडी की जनता? भिवंडी की जनता को यही है कि एक फेस्टिवल है, एक यूनिटी है, एकता है। ये लोकमान्य तिलक ने अपने को दिया है कि एक गणेश उत्सव मतलब एक यूनिटी, एकता करके एक अच्छा बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, और महाराष्ट्र में इसी को बड़ा फेस्टिवल माना जाते हैं, और हम यही सोचते हैं कि हम हमेशा करते रहे इसे। सर अभी कितने वर्षों से आप ये कर रहे हैं? सर अभी हम लोग को 25 साल है गए, 25 साल से हम अच्छे तरह गए और आगे भी अच्छे करते रहेंगे, हम आशा करते हैं। सर आप इतनी बड़ी मूर्ति लेके आते हैं इस एरिया में, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है, ताकि भले कितना भी प्रॉब्लम हो हमारे साथ, हमारे बड़े पैदमंशी लोग सब खड़े हमारे एरिया के, हमको उनसे सब तरह से राय और सपोर्ट मिलता है, इसके वजह से हम इतना बड़ा कार्यक्रम करने में हम। सर कुछ कार्यकर्ता का नाम बताएंगे जरा आपके साथ जो है? सर कार्यकर्ता का नाम है, एक वेणु हमारा अध्यक्ष है, वेणु अमनचा सोमनर से अमनचा, और विजय पलपेली, गंगाधर अनल दास, एक रमेश अनल दास है, और मैं खुद हूँ श्रीधर पलपेली, और विक्की नारा, रामू नारा, प्रवीण अमनचा और जंडू पोतू, ये सब हमारे कार्यकर्ता है, और बहुत सारे हैं कार्यकर्ता जो हम हमेशा सहयोग करते हैं। हमें अच्छी शुरुआत किया है आमन जी वेणु ने किया है 25 साल पहले, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। ये अध्यक्ष ही हम लोग को, छोकरों लोग को बहुत सहकारी करता है, और छोकरों लोग को कमेटी में कोई कोई है सबका बात सुनता है। अध्यक्ष ही जो है जो सबको वो अध्यक्ष ही मई है बोल के गौरवनीय है उनको, और प्रोग्राम कैसा होने का वो देखता है हमारा अध्यक्ष ही, और इधर का मंडली जय माता मित्र मंडल का छोकरों लोग 50-60 छोकरों लोग आए, और कुछ भी कार्यक्रम होता है तो 50-60 छोकरों लोग एक होता है, और हर एक गली का छोकरों लोग को इसमें शामिल हो है। पद्मनगर में हर एक गली का बोलता कोई भी ऐसा हमारे मंडल नहीं, हमारे एरिया नहीं ऐसा बोल के नहीं है, सब एरिया वाले आते हैं इधर मंडल का।
ये मंडल को साकार ही करता है। ये मंडल में हर एक आदमी शामिल होने के लिए ये करता है और ये 25 साल हो गया है और 25 साल से हम लोग हर साल बड़े गणपति लगाता है और ये पद्मनाभ जय माता का गणपति बोले तो सबसे बड़ा होता है और ये बच्चे लोग मुंबई में ऑर्डर देता है और हमें हमेशा बोलता हूँ खर्चा कम करो कम करो, बच्चे लोग सुनता नहीं। बच्चे लोग बोलते हैं अभी ये इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और कैसा जमा किया क्या किया बच्चे लोग, और इसमें सबसे ज़्यादा अपना सीधर उपल पहल का मेहनत ज़्यादा है इसमें और सब लोग छोकरों लोग भी उसको सपोर्ट देता है और ऐसे ही हर साल करना चाहिए। हम सब